जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा भी छोटा साक्षी देता है। 29 साल पहले मैं डिवाइन में गया था, और डिवाइन में एक इंग्लिश रिट्रीट, पावर इवांजलाइजेशन रिट्रीट में गया था इंग्लिश में। उस रिट्रीट के शिविर के बाद में उसमें मुझे वॉलंटियर करने के लिए मुझे बुलाया, वो पुरोहित नहीं है, आप लोग जैसे बच्चों ऐसा 20 साल का उम्र ऐसा 22। हालेलुया हालेलुया। उस समय उस उन लोगों ने मुझे बुलाया, उधर हिंदू लोगों के लिए शिविर चलते हैं, उसमें सेवा करने के लिए मुझे बुलाया। मेरा काम वो उधर वो बुक शॉप का काम, सेवा, वो जो कुछ है बुक शॉप में देना, वही मेरा काम था। उस समय मैं अंदर बैठा था, उसी समय मैं कुछ देखा, वो एक सांप एक चूहे के पीछे जाते, एक सांप एक चूहे के पीछे जाते पकड़ने के लिए, एक चूहे दौड़ते। वो उसका उस दिन का वो हमारा शिविर ऐसा तो नहीं है, वो पत्थर से बनाया हुआ, पत्थर से नहीं, पत्थर नहीं, वो क्या बोलते हैं लीफ, इसको क्या बोलते हैं पत्ता, ओके ओके थोड़ा गलत हो गया, पत्ता से बनाया हुआ, ये नारियल का पत्ता है ना, उसका उससे बनाया हुआ है वो शिविर। उसमें बैठने में मैं देखा एक चूहे के पीछे एक सांप जाते, मैं देखा वो उसके उस थोड़ी देर बाद में मैं देखता हूँ ये चूहे वापस आते। मैं ऐसा, ये चूहे कितना मूर्ख है, बुद्धू है, उसी रास्ता में उसने वो सांप उसके पीछे गया, उसी रास्ता में वापस आते। मुझे ऐसा लगा, वो ऐसा वचन बोलते ये प्रवक्ता का ग्रंथ 21:1, प्रवक्ता ग्रंथ 21:1, जल्दी पढ़ो, ज्यादा समय नहीं है इसलिए। हाँ पुत्र, अगर तुम पाप किया है तो ऐसा मत करो, आपके पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के, हाँ सांप के सामने से भाग के दूर जाओ। हाँ वो समीप आएगा तुम्हें काटेगा। देखो सांप की तरह ओ पाप से दूर जाओ। मुझे भी देखा ये कितना मूर्ख है ये चूहे, वो मुझे ऐसा लगा मुझे स्टेज में जाके कुछ बोलना, प्रवचन करना इसके बारे में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो मुझे 22 साल उस समय मुझे ऐसा लोगों के सामने रहेगा तो ऐसा होते थे, बहुत डर लगते थे, बोलने का भी शक्ति नहीं था। हालेलुया। वो मुझे मेरा ऐसा जिंदगी ऐसा था, बहुत डरते थे। वो मुझे ऐसा जाके कुछ बोलने की इच्छा हो गया, वो जो लोग शिविर चढ़ाते उन लोगों को बोला मुझे अवसर दे दो, वो नहीं दिया, मेरा समय नहीं आया था। इसलिए मैं क्या किया, प्रचार करने के लिए गया। हालेलुया। ऐसा प्रचार करने के लिए गया, मुझे प्रवचन करने के, मुझे अभी प्रवचन करने के लिए नहीं बुलाया, मैं छोटा काम करेगा प्रचार करने के लिए। हम बहुत दूर गया, वो बहुत दूर में एक जगह है कोड़ीकोड, एक जगह है उधर, एक मैगजीन है यीशु का शालोम रिंग का मैगजीन है, अच्छा मैगजीन है। मैं एक दोस्त के साथ उधर जाके, रात में रहने को भी जगह भी नहीं था, वो बस स्टैंड में रात सोया, उसके बाद में उधर जाके, पैसा नहीं है कमरा कमरा किराया देने के लिए, वो हम एक साथ जाके उधर से शालोम मैगजीन बहुत पुराना पुराना वाले लेके हमारे डिवाइन रिट्रीट सेंटर के बाहर खड़े होके लोगों को ऐसा
दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मेरा प्रचार शुरू किया, मेरे पहला काम ऐसा शुरू किया। ये ब्रदर जी ने बोला, अगर तुम छोटा काम कार्य में ईमानदार हो, प्रभु तुम्हें बड़ा काम दिखाएगा। अगर तुम छोटा काम में ईमानदार हो, बड़ा काम। मैं ऐसा छोटा काम में शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्रभु ने मुझे अभी ये पुरोहित बना। अभी तो नहीं है, अभी 15 साल हो गया पुरोहित बन के, 15 साल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जो आशीष इधर से मिला, हम भी छोटा कार्य में क्या होना, ईमानदार होना। ये एक भैया छत्तीसगढ़ से, एक परिवार इधर है, उधर से आल्फी, उसको थोड़ा साक्षी देना बोला था। आओ, कुछ साक्षी उसको इच्छा है, इच्छा से मुझे आके बोला, फादर जी मुझे साक्षी देना। इसके बाद में मैं और अभी देगा ये कागज, अभी देगा। सबों को जय श्री। मेरा नाम अल्फी टप्पो है, मैं छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला का रहने वाला हूं और मैं रायपुर में पढ़ाई करता हूं बीएड का। मैं आप लोगों को मेरे लाइफ के बारे में